सब भाई आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ये है मॉर्निंग टाइम, अभी हुआ है 6:30 और हम जा रहे हैं घास काटने। आज अंशु भी है, कल की अंशु आ गई है, मतलब ये क्लिपिंग मेरे पास है 2 अक्टूबर की और एडिटिंग कर रही हूँ मैं सुबह। आज है सैटरडे, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं जा रही हूँ घास काटने। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप खिली है ऊपर ऊपर और व्यू बहुत ही प्यारा है। आज लास्ट डे है, थोड़ी देर बाद हमारा ख़त्म हो गया था फिर घास और हम आ गए थे घर। आपके साथ शेयर किया है मैंने हर चीज़ की है, थोड़ी थोड़ी जो भी बन पाया मुझसे, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ जल्दी जल्दी होती है, जल्दी लगी थी। तो फिर ये देखिए थोड़ा ऊपर से हमारा गांव इस तरह का दिखता है और ये रास्ते रास्ते से जा रही हूँ साथ साथ में और क्लिपिंग भी कर रही हूँ आगे से। ये अभी धूप लगने वाली है थोड़ी थोड़ी सी है, अभी ऊपर को धूप नहीं आई। तो ये देखिए ये कैक्टस, यहाँ पे ना बहुत कैक्टस होते हैं बहुत सारे। तो मैं देखिए मैं जा रही थी पाली साइड घास को और अंशु दूसरी साइड से क्लिपिंग कर रही थी और यहाँ पे लग गया हम घास काटने। और अंशु अभी अंशु ने भी ना बहुत हेल्प की है, बेटू ने भी बहुत हेल्प की। तो इस तरह से हमारे ख़त्म हो गया था। अभी रात हो है बट उतना नहीं, जो मतलब ज़्यादा घास था वो तो ख़त्म हो गया। अब यहीं पे है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत रहा है, वो तो आराम से हो जाएगा जब तक हम मतलब लोग काटेंगे ना उतने में आराम से हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने पेड़ में रख लिया था घास, हमारे यहाँ पे ख़त्म ही हो गया था कुल मिला के, बस रखने को रह गया था, बाकी तो ख़त्म हो गया था। बस थोड़ा बहुत बांधने को रहा था और अंशु कर रही थी क्लिपिंग साथ साथ में। और ये देखिए मौसम इतना साफ और इतना अच्छा था, ऊपर से धूप देखो ना इतनी खिली थी धूप कि आंखें भी नहीं खुल रही थी। ये देखिए ये नीचे इसकी आमा जी और चाची जी घास काट रहे हैं। तो देखिए दूसरी साइड का व्यू कितना प्यारा है, चील के पेड़ हैं बहुत घने हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हरियाली है यहाँ पे। तो है तो बहुत लो एरिया पर फिर भी यहाँ पे हरा भरा सा पेड़ पौधे बहुत कुछ है और बहुत प्यारा व्यू है। और अब मैंने आपके साथ आगे 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 थोड़ा थोड़ा शेयर किया है, घास रखा है जो भी था और साथ साथ में अंशु घास दे रही थी और साथ में क्लिपिंग कर रही थी थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से हमारा रहता है गांव का, ऐसे करके घास रखते हैं। कई तो लकड़ी में भी लगाते हैं, एक बीच में लकड़ी लगाई और घास रखा। पर यहाँ पे ये देखिए इस तरह के कुंबर रहते हैं, जो हमने ये कपड़े पहने हैं ना ये इन्हीं के लिए, ये इसमें नहीं जाते हैं कुंबर नहीं जाते इसमें। तो ये देखिए पहुँच गए थे हम मम्मी जी मतलब सासू माँ के पास नीचे। तो ये दोनों यहाँ पे थी, मैंने थोड़ी देर काटा था इनके साथ और फिर आ गए थे हम वापिस आ गए थे मतलब घर आ गए थे, ये भी आ गए थे। तो देखिए फिर मैंने रस्ते फिर हम आ गए थे मतलब दूसरे वाले घर जहाँ आज मेरे को 5 दिन हो गए थे वहाँ से, तो हम आ गए थे यहाँ पे सेल बोलते हैं। तो अब मैं सेरी आ गई हूँ, तो यहाँ पे आ गए हम रोड में। तो यहाँ से हमने ना बस लेनी है, बस थोड़ा सा चलना पड़ता है। ये देखिए ये आ गई हमारी बस, ये जाती है यहाँ से जाती है रामपुर गौरा वैष्णो बोलते हैं और यहाँ पे एक स्टेशन आता है किलोधार, यहाँ पे हम उतर गए थे और फिर पीछे से हम वो क्लिपिंग मैंने ले ली और दूसरे टर्न होके हम आ गए थे घर। और ये देखिए आप समझ गए होंगे व्यू यहाँ का कि कहाँ का व्यू है। और जो मेरे मतलब चैनल को हर रोज़ देखते हैं ना
वीडियो को रोज़ देखते हैं, वो तो समझ गए होंगे कि आज अलग सा मिल गया देखने को। तो मतलब समझो कि आगे में घर, और ये देखिए प्यारा सा व्यू। पीछे ना लोग मशीन से घास काट रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो आज ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मेरे को यहाँ से गए, 5-6 दिन हो गए थे। तो देखिए अब पहुँच गई हूँ मैं घर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैंने आपके साथ थोड़े से, मैंने नींबू लाए थे इसमें तीन तेल डाल के, तो फिर डब्बे में पैक कर दिए थे, अच्छे रहते हैं।